Okay, so we move on with the topic of permutation, and here we discuss some very specific cases. अभी तक आपने ये देखा कि अगर आपके पास n different things हैं, तो आप उसको linear arrangement में कितने तरीके से arrange करते हो? Factorial n, ठीक है? Factorial n. अगर हमारे पास पांच चीजें हैं, तो हम कितने तरीके से arrange करते हैं? Factorial 5, right? हमारा answer कितना होता है? 120. But अगर आप n चीजों को circular arrangement में arrange करते हो, right? तो आपका आंसर कितना होता है? n माइनस वन फैक्टोरियल. यानी कि अगर पांच चीजें हैं तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल. यानी कितना हो गया बेटा? 24 हो गया. यानी लीनियर में मैं 120 तरीके से उन्हीं पांच लोगों को बिठा सकता था, और अगर उन्हीं पांच लोगों को अगर मैं एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाता हूँ तो मैं कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? ओनली 24 वेज, राइट? इट इज n माइनस वन फैक्टोरियल. कैन एनी वन अमंग यू टेल मी वाई इज इट n फैक्टर? मतलब ठीक है, n फैक्टोरियल तो हमें समझ में आता है, बिकॉज हमने इस पर काफी क्वेश्चन कर रखे हैं कि हमारे पास n प्लेसेज हैं, n लोग हैं, तो इस जगह को हम लोग n तरीके से फिल करते हैं, इसको n माइनस वन से, एंड सो ऑन, वी कंटिन्यू टिल वन, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाता है? n फैक्टोरियल. बट ये सर्कुलर में n माइनस वन क्यों होता है? कैन एनी वन अमंग यू ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन? जस्ट रेज यूर हैंड इफ एनी वन विशेज टू ट्राई. इफ एनी वन विशेज टू ट्राई, जस्ट रेज यूर हैंड. यस अनुष्का, प्लीज गो हैड, बताओ बेटा. Why is it n minus 1 in the case of circular arrangement? आपके syllabus, board के syllabus में नहीं है, ठीक है? आइए आपको RD Sharma में या फिर आपको NCERT में इसके questions नहीं मिलेंगे, but competition में इसके questions आते हैं, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये भी cover करा रहा हूँ. Yes अनुष्का, बोलो बेटा. अनुष्का, I cannot hear you. If you are speaking, I cannot hear you. आपकी आवाज नहीं आ रही. Anyone else? Might be your mic is not connected or some other technical problem. चलो देखो, time कम है. मैं की center वाली position खाली रहती है, इसकी वजह से. Center वाली position क्यों खाली रहती है बेटा? इसमें तो position ये line पे ही है, circumference पे है, center तो कुछ ही नहीं यहाँ पे, right? Sir, the first and the last point would be at the same place. To some extent it is correct, Priyanshu, well done. देखो, मैं थोड़ा और अच्छे से इसको एलैबोरेट करना चाहूंगा, राइट? बिकॉज व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिशंस बेटा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है? ध्यान से सुनना. देखो, होता ये है कि जब कभी भी आप लीनियर अरेंजमेंट में चीज़ों को रखते हो, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी, राइट? दिस इज माई लेफ्ट एंड, दिस इज फर्स्ट पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, एंड सो ऑन, एंड देयर वुड बी वन राइट एंड, ठीक है? या हमारे पास दो एंड्स हैं, एक लेफ्ट एंड, एक राइट एंड. तुम सब लोग गेम्स वगैरह तो खेलती होगे, है ना? लैपटॉप वगैरह पे तुम लोग गेम्स खेलते होगे. तुमने देखा होगा सर्कुलर गेम्स जो होते हैं, सर्कुलर रेसेस जो होते हैं, देयर इज वन पॉइंट जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? मैं अगर इस चीज़ को, ये जो मैंने ये लीनियर बनाया है, अगर मैं इसको एक सर्कल में कन्वर्ट करता, राइट, अगर मैं इन्हीं लोगों को उठा करके एक सर्कल में रखता, तो समझने की बात यह है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होता ना, वो जा करके एक पॉइंट पे मिलता, राइट? लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों मिलकर के कहाँ मिलते? एक जगह पे मिल जाते. तो व्हेन वी टॉक इन रेफरेंस टू अ सर्कल, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, जो हमारे पास दो रेफरेंस पॉइंट थे, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, अब हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है, क्या? दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? सर्कुलर रेस यहाँ से शुरू होगा, यहीं पर खत्म होगा, ठीक है? तो हमारा रेफरेंस पॉइंट एक रिड्यूस हो जाता है. When we come to a circular arrangement, हमारा reference point एक reduce हो जाता है. क्योंकि वो reduce हो जाता है, इसीलिए हमारे पास total number of arrangement कितने हो जाते हैं? N minus one factorial हो जाते हैं, ठीक है? तो इस बात को आपको समझ में भी आना चाहिए, और otherwise, ठीक है, ऐसा कोई expression पूछने नहीं जा रहा, but हाँ, फिर भी अगर पता है तो अच्छी बात है. Okay, is it fine children? Shall I proceed ahead? Just raise your hand. अभी इस पर हम काफ़ी अच्छे अच्छे concepts करने वाले हैं, ठीक है? ओके, नोट करते चलना, ठीक है? अब जो नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है वो काफी यूजफुल है तुम्हें, एज इट इज डायरेक्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी और कॉम्पिटिशन में भी, ठीक है? ये सीपीटी का जो पेपर होता है ना बेटा, रिद्धि, सीपीटी में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं. बुक देखना सीपीटी की, वहां से चैप्टर हाउस से जो बुक आती है उसमें देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे भी आते हैं. चलो देखो, सो आई विल टॉक ऑफ दीस थिंग्स नाउ. सी, लीनियर अरेंजमेंट में वो जो मैंने आपको केस बताया, दिस इज जस्ट वन ऑफ द केस, राइट? दिस इज जस्ट वन ऑफ द केस. क्या कि आपके पास n डिफरेंट चीजें हैं, आप अगर लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज करते हो, किस तरीके से अरेंज करोगे? n n फैक्टोरियल.
एंड जब आप उसको सर्कुलर में अरेंज करते हो तो किधर कैसे अरेंज करोगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल। नाउ ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये स्कूल एग्जाम में आने के चांसेस कम हैं, लेकिन हाँ कुछ पता नहीं है, आर डी शर्मा में आपको पता है कि वो राइट फ्रॉम स्कूल लेवल से लेकर के और कॉम्पिटिशन लेवल में, अगर मैं जेई की बात करूँ तो जेई में आपका मेन्स लेवल तक की प्रिपरेशन आर डी शर्मा से बहुत प्यार से होती है, ठीक है, एडवांस तो नहीं कहूँगा लेकिन हाँ मेन्स लेवल तक की तैयारी वहाँ से हो जाती है। एडवांस के लिए यू हैव सम अदर बुक्स दैट यू शुड फॉलो। और सीबीटी में तो आई वुड से अगर तुमने आर डी शर्मा के एमसीक्यू सारे कर रखे हैं और बेसिक चीज़ें कर रखा है तो सीबीटी पूरा ही कवर्ड है, ठीक है। सो आर डी शर्मा इज सडनली अ वेरी गुड बुक दैट वी आर यूजिंग, राइट, इट कवर्स अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। अब देखो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये जो तुम्हारा सेकेंड केस है, राइट, आई वुड से दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट, दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। सिमिलरली लीनियर अरेंजमेंट का और सर्कुलर अरेंजमेंट का हम लोगों ने ऐसे तीन केसेस बना रखे हैं। We have three cases and we got to understand why this happens, how this happens. ध्यान से देखना, ये जो second case है इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास n different चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पाँच बनाई हैं, but आप इसको in general n के लिए समझो, और उनमें से मान लो तुम लोग पाँच friends हो, right? You have five friends and you decide to go out for some picnic and you go for a photo shoot, ठीक है, तुम लोग ये decide करते हो भाई photo shoot होगा। Now two of you they are very good friends, वो बोलते हैं भाई हम तो साथ में बैठेंगे, हमें तो साथ में रहना है photograph में, ये दो लोग क्या बोलते हैं हम तो साथ में रहेंगे, ठीक है, और बाकी तीन लोग कैसे भी रह सकते हैं कोई चक्कर नहीं है। तो इन दैट केस, राइट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड विद रेफरेंस टू दिस एग्जांपल एज वेल एज विद रेफरेंस टू द क्वेश्चन कंडीशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, पांच लोग हैं आपके पास, राइट, उसमें से दो स्पेसिफिक लोग कहते हैं कि हम तो साथ में ही रहेंगे, ठीक है, दो स्पेसिफिक लोग कहते हैं साथ में रहेंगे, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज देम फॉर अ ग्रुप फोटोशूट, राइट, इन अ लीनियर मैनर, ठीक है। तो उस केस में आंसर क्या हो जाता है तुम्हारा, n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल। अब आपके माइंड में ये चीज़ आ सकती है, सर ये ऐसा क्यों होता है, तो ठीक है देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। लेट्स से वी हैव फाइव पीपल ए बी सी डी ई, हालांकि तुमसे कोई ये कंडीशन नहीं पूछने जा रहा, बट हाँ जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तुम अच्छे क्वेश्चन को उतना ईजिली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये पाँच लोग हैं, अगर हमें इन पांच लोगों को बिठाना होता फोटोशूट के लिए एक लीनियर अरेंजमेंट में तो हम कितने तरीके से बिठाते बेटा, विदाउट एनी कंडीशंस फैक्टोरियल 5 यानी कि 120 तरीके से ये बैठ सकते हैं, ठीक है। बट अब क्या है, इसमें से दो लोग कहते हैं, ए और बी कहते हैं भाई हम तो फ्रेंड्स हैं, हम तो साथ में रहेंगे, हम अलग नहीं हो सकते, ठीक है, कोई बात नहीं, मत हो अलग, तुम इनको साथ में चिपका दो, ठीक है। अगर तुमने इनको साथ में चिपका दिया तो तुम्हारे पास कितने केस हो गए, ये एक, दिस इज वन यूनिट, नाउ दिस इज सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, मतलब जो हमारे पास पांच यूनिट्स थे अरेंज करने के लिए अब कितने यूनिट्स रह गए, फोर यूनिट्स रह गए, राइट। ये जो अब चार चीजों को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, फैक्टोरियल 4, एंड ये जो ए और बी हैं क्या ये अपनी पोजिशन एक्सचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ए बी एंड बी ए, सो दे कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 2 वेज, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट टास्क कैन बी डन इन फैक्टोरियल 4 वेज, सेकेंड टास्क ए एंड बी एंड बी एंड ए वो आपस में अरेंज कर सकते हैं, दे कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 2 वेज। दैट इज वाई इफ यू लुक हियर, अगर तुम 5 को यहाँ पे एन से रिप्लेस कर दो तो क्या बन जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, राइट, दैट इज द रीजन यू गेट दैट फॉर्मूला, ठीक है, 5 माइनस वन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, एंड एग्जैक्टली विद द सिमिलर लॉजिक दैट हैपेंस इन द केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट एज वेल। अब क्या तुम्हारे पास एन माइनस वन चीजें थी, एंड एन चीजें थी तो कितने तरीके से तुमने अरेंज किया था, एन माइनस वन से, बिकॉज तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट कम हो गया था। अब जब तुम सर्कुलर में अरेंज करोगे तो अब तुमने दो चीजों को एक साथ रख दिया तो कितनी चीजें हो गई, 1, 2, 3, 4, राइट। अगर मैं एन के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो कितनी चीजें हो गई, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन को मैं कितने तरीके से सर्कुलर में अरेंज करता हूँ, एन माइनस टू से, जितना भी होता है उससे एक कम तरीके से अरेंज होती है सर्कुलर में, ठीक है। इंटू टू वेक्टोरियल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये दो चीजें आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं। I hope the point is clearly understood to you. If yes, quickly raise your hand. आज afternoon में 12th के batch में एक student है जो मेरे से class 11 से लगातार पढ़ता आ रहा है। He said, sir, आपको पता है आपको online पढ़ा पढ़ा के इतनी ज़्यादा आपकी habit हो रही है आजकल कि कुछ दिन के बाद जब हम आपकी coaching में पढ़ने आएंगे तो आप ये बोलोगे कि all those who have understood quickly raise your hand. मैं बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, तो माइट भी ऐसा हो जाए, आई डोंट नो, चलो एनीवेज। तो दीज वर टू कंडीशनल क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी मच अंडरस्टूड टू यू, राइट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि अगर कोई कंडीशन लगती है तो क्या होता है। थर्ड केस देखो, ये भी और इंटरेस्टिंग है, मजेदार केस है। थर्ड केस में क्या बेटा, अगर आपके पास पांच लोग थे
और दो लोग हैं जो पहले तो बड़े अच्छे दोस्त थे, अब उनकी हो गई लड़ाई, वो बोलते हैं भाई इसके साथ नहीं बैठना है, बाकी किसी कहीं भी बैठ लूंगा मैं, राइट, बस इसके साथ नहीं बैठना है, बाकी कहीं भी बैठने को तैयार है। मतलब क्या है बेटा, मतलब आपने ये वाले जो केसेस बनाए थे, बस अगर आप ये वाले सब्सट्रैक्ट कर दें टोटल नंबर ऑफ केसेस से तो काम हो जाएगा ना। दिस इज वॉट टोटल नंबर ऑफ केसेस विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, दिस इज द नंबर ऑफ केस जिसमें ये दो लोग साथ में बैठ रहे थे, और अब थर्ड कंडीशन में हमसे क्या पूछा गया कि ये दो लोग साथ में कभी भी नहीं बैठेंगे, ऐसे कितने अरेंजमेंट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस माइनस द नंबर ऑफ केसेस जब वो साथ में थे, बस इनको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, राइट, एंड विल गेट द आंसर। अगर तुम इसकी कैलकुलेशन समझना चाहते हो तो चलो मैं तुम्हें कैलकुलेशन भी समझा देता हूँ। जैसे ये है ना एन फैक्टोरियल, इसको मैं लिखूंगा एन माइनस वन फैक्टोरियल इनटू एन, आई होप यू रिमेंबर दैट। किसी भी बड़े फैक्टोरियल को हम छोटे फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, और जो सेकेंड है वो मेरे पास कितना है एन माइनस वन फैक्टोरियल इनटू टू फैक्टोरियल। तो अगर बेटा मैं यहाँ से एन माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचता क्या बेटा, यहाँ पे n बच जाता है और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कुछ और नहीं होती है 2 होती है, दैट इज व्हाई यू गेट द आंसर एज n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2। एंड बाय द सेम लॉजिक इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 यू गेट दिस। नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में तुम्हें इस पे एज इट इज क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे मूव करने वाला हूँ, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन नाउ। इफ देयर इज एनीथिंग टू डिस्कस यू कैन डिस्कस इट राइट नाउ, पूछ लो। ऑल राइट, आई विल प्रोसीड देन। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड रूल ऑफ एडिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन तो आपने पढ़ लिया, राइट, क्या कि अगर मैं टास्क वन को m तरीके से कर सकता हूं एंड टास्क टू को n तरीके से कर सकता हूं एंड टास्क थ्री को लेट से p तरीके से कर सकता हूं, तो मैं टास्क वन एंड टास्क टू एंड टास्क थ्री तीनों को कितने तरीके से कर सकता हूं, m इंटू एन इंटू पी, ठीक है, ये आपने पढ़ा। जो और वाला है ना ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ये आप ट्वेल्थ में भी पढ़ोगे और कॉम्पिटिशन में इसकी यूसेज काफी है, राइट। और का क्या मतलब है समझते हैं, लेट से अभी भी आपके पास तीन टास्क हैं, टास्क वन या तो आपको टास्क वन करने की जरूरत है या फिर आपको टास्क टू करने की जरूरत है या फिर आपको टास्क थ्री करने की जरूरत है। अभी भी आप टास्क वन को एम तरीके से कर सकते हो, टास्क टू को एन तरीके से कर सकते हो और टास्क थ्री को पी तरीके से कर सकते हो। इन हाउ मेनी वेज कैन यू डू ऑल द थ्री टास्क, ईदर टास्क वन और टास्क टू और टास्क थ्री, यू विल ऐड देम। जब कभी भी काम करना कंपलसरी होता है, आपको ये तीनों टास्क करने हैं, यू हैव टू डू टास्क वन एंड टास्क टू एंड टास्क थ्री, यू विल मल्टीप्लाई। वेन एवर इट इज एन ऑप्शन, ईदर यू हैव टू डू टास्क वन और टास्क टू और टास्क थ्री, यू विल ऐड देम। आई गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दिस, राइट, मैंने उस दिन आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाता हूँ, तुम्हें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज करो हमारी सिटी है बरेली, राइट, आई मीन आप सबकी नहीं है, मेरी है, ठीक है, सो बरेली है और आप में से एक दो लोग न्यू दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, बीच में मुरादाबाद आता है, ये मैंने एग्जांपल तुम्हें उस दिन दिया था, ठीक है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। सी कॉन्सेप्ट मैं डायरेक्टली तुम्हें लिखवा सकता हूँ बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ओनली देन यू लर्न द रियल एप्लीकेशन, ओके। मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया था, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग्स बट यस कुछ मुझे ध्यान आ रहा है, शायद फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था कि बरेली से मुरादाबाद अगर हम लोग दो तरीके से पहुंच सकते हैं, लेट्स से इट इज A1 एंड A2, और मुरादाबाद से न्यू दिल्ली पहुंचने के लेट्स से हमारे पास तीन तरीके हैं, ठीक है, लेट्स कॉल देम B1, B2 एंड B3। इन हाउ मेनी वेज कैन वी रीच न्यू दिल्ली फ्रॉम बरेली if we have to go via Muradabad? Task one, there are two tasks, we have to reach Muradabad, that can be done in two ways, and the second task is to reach New Delhi from Muradabad, which can be done in three ways. To hamare paas kitne tarike nikal ke aaye the, 6 tarike nikal ke aaye the, I hope you remember that. Now let's add a condition to this. Ab Bareilly se New Delhi ke liye direct flight shuru ho gayi hai, Nath Nagari airport hamari start ho gayi hai, right, we have direct flights, and let's say there are two airlines who are giving direct flight from
Bareilly to New Delhi. Let's call them C1 and C2, right? So now the students, I mean the persons, can commute either by road or by airlines. Okay? I mean, look at the question. तुम practicality में मत चले जाना कि sir अभी तो rail से भी जा सकते हैं और airline अभी शुरू नहीं हुई and all that. ठीक है? So don't go into all that. Okay? Just look at the conditions given in the question. Fine? तो रोड से जाने के लिए तो कितने रास्ते थे तुम्हारे पास? 6 रास्ते थे. अब इसमें मैंने एक कंडीशन ऐड कर दी. Either you can go by road or you can go by flights. So flights के कितने रास्ते हैं बेटा? 2 रास्ते हैं. Right? तो या तो इन 6 तरीके से जाओगे या फिर उन 2 तरीके से जाओगे. तो ओवरऑल तुम कितने तरीके से अभी बरेली से दिल्ली पहुंच सकते हो? 8 तरीके से. राइट? आई होप यू रिमेम्बर ऑल दैट. A1 B1 A1 B2 A1 B3, राइट? एंड सिमिलरली A2 वाले 3 केसेस. अब तुम्हारे पास 2 केसेस, राइट? A2 वाले 3 केसेस भी ऐड हो जाएंगे और अब तुम्हारे पास 2 केसेस और ऐड हो जाएंगे. कौन से? C1 एंड C2. टोटल कितने रास्ते हो गए बेटा? 3 + 3 = 6 एंड +2. कितने तरीके से तुम दिल्ली पहुंच सकते हो? 8. तो ये चीज ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास और वाली कंडीशन आती है तो आप उस केस में केसेस को ऐड करेंगे. ठीक है? ये तुम्हें आरडी शर्मा या फिर एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस कम मिलेंगे. मैं ये नहीं कहता हूँ एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आरडी शर्मा में कम मिलेंगे. ठीक है? एमसीक्यूज में तुम्हें मिल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, लेकिन हाँ कॉम्पिटिशन में इसकी यूसेज काफी वास्ट है और 12th में भी जब तुम प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे तो भी इसकी यूसेज दोबारा से लौट के आएगी. ठीक है? तो इट इज गुड कि आप अभी से इसको ध्यान से पढ़ लें. ठीक है? अगर और आता है और का मतलब समझ गया होगा ना, इंग्लिश वाला और है ये. ठीक है? आई मीन ईदर दिस और दिस. सो व्हेनेवर यू हैव एन और केस इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द टास्क यू विल ऐड ऑल ऑफ देम. ठीक है? आई होप इट इज ओके चिल्ड्रन. शैल आई प्रोसीड नेक्स्ट? आगे बढ़े. नोट कर लिया तुमने सबको द केसेस ऑफ एंड एंड और. ठीक है? द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड द रूल ऑफ एडिशन. रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यू डिड इट अर्लियर. रूल ऑफ एडिशन इज व्हाट वी हैव एडेड हियर और उसको हमने एग्जाम्पल से भी समझा कि क्या इसका मतलब होता है. ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं. लेट्स प्रोसीड नाउ. दिस इज अ जेईई एडवांस क्वेश्चन. बढ़िया सा क्वेश्चन है, राइट? हम लोग कभी जेईई एडवांस देखते हैं तो हम पहले सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है. लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम थोड़ा बेसिक्स अपने ठीक रखते हो तो इतना मुश्किल भी नहीं है. देखो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक क्वेश्चन, एज मोस्ट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन एज वेल, सो आई डोंट हेजिटेट इन डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन. ओके? जनरली क्या होता है, जब कोई मैं जेईई लेवल का क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो मैं संडेज को डिस्कस करता हूँ. ठीक है? सैटरडे संडेज को मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसमें मैं जेईई लेवल के क्वेश्चंस एनडीए लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ. ठीक है? कंपटीशन वाले क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ. बाकी मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जनरली मैं बैच में, रेगुलर बैच में कंपटीशन के क्वेश्चंस कम डिस्कस करता हूँ और आरडी शर्मा के सारे क्वेश्चन पे ज़्यादा लेता हूँ. ठीक है? बट क्योंकि अभी ये आप में से कुछ स्टूडेंट्स अभी देयर इज यू आर स्टिल मेकिंग अप योर माइंड, तो मुझे लगा चलो ठीक है कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो उसको अप्लाई करना भी सीखना जरूरी है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर लिया था. राइट? जस्ट वन क्वेश्चन, एक एनडीए का लिया था, एक जेईई का लिया था. आइए देखते हैं. सो फाइंड द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 वंस सच दैट द 6 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय इट्स यूनिट डिजिट. अब बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर ये क्वेश्चन हमारे स्कूल लेवल का होता तो क्या होता? तो होता हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग दीज 6 डिजिट्स. ठीक है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. फिर हम क्या करते? 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा एक डिजिट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक कम कर देते हैं. ये अगर ये सिंपल होता तो हम क्या करते पहले वो बताता हूँ. राइट? आप सर्टेनली इसको 6 तरीके से फिल करते, इसको 5 तरीके से फिल करते एंड सो ऑन यहाँ तक बनाता. आपका आंसर कितना होता बच्चों? 6 फैक्टोरियल. राइट? ऐसे ही करते ना एंड द क्वेश्चन वॉज डन. स्कूल लेवल पे इतना ईजी होता तुम कट करके बैठ जाते, बट यहाँ पे जो इन्होंने कंडीशन डाल दी ना, इससे तो भाई वो बच्चे ही सही ढंग से कर पाएंगे जिनको एंड और समझ में आता है. पहली चीज एंड तुम्हें समझ में आ चुका है और भी शायद तुम्हें समझ में आ चुका है, और दूसरी चीज उनको डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट ध्यान में है जो उन्होंने छोटे क्लास में पढ़ रखे हैं. डिविजिबिलिटी बिकॉज आपको ये इन्होंने क्लियरली कंडीशन दी है. देखो आईआईटी या किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है. ऑल दे वांट इज कि तुमने जितनी चीजें पढ़ी हैं तुम्हें उसको अप्लाई करना आना चाहिए. अगर तुम उसे अप्लाई करना जानते हो तो यू कैन क्रैक द क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल. और तुमने सिर्फ पढ़ रखा है और फिर तुम भूल गए उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर सकते तो इट इज ऑफ नो यूज टू देम. They want smart people who can apply their knowledge into the problems, right? That is what they check.
ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक के साथ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, जहां भी परेशानी आएगी विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस करना, ठीक है। लेट्स सी। सो मैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन तो है नहीं, क्वेश्चन तो इन्होंने चेंज कर दिया, राइट। क्या बोल रहे हैं, दैट द सिक्स डिजिट नंबर जो इनसे बन रहा है, ठीक है, दैट शुड बी डिविजिबल बाय द यूनिट डिजिट। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें यूनिट डिजिट के केसेस अलग से लेने पड़ेंगे। द यूनिट डिजिट कैन बी वन, ध्यान से सुनना मेरी बात, और द यूनिट डिजिट विल बी टू, और द यूनिट डिजिट विल बी थ्री। अब यहाँ पे और आ रहा है ना, और का मतलब तुम्हें ध्यान होगा क्या होता है, ऐड करना, फाइव, और यूनिट विल बी सिक्स। भाई इतने तो यूनिट डिजिट पॉसिबल है बाय द गिवन कंडीशन, यस और नो चिल्ड्रेन? क्विकली शो मी योर हैंड्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दैट। देयर वुड बी सिक्स केसेस विद और, देयर वुड बी सिक्स केसेस विद और, एंड और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है एडिशन। ये बात हमें समझ में आ चुकी है अभी तक, ठीक है, ओके। अब ये हमारे पास ये सिक्स केसेस हैं। अब हमें ये देखना है कि जब हमारा यूनिट डिजिट वन है तो जो बाकी प्लेसेस हैं, ओके, सम ऑफ यू आर गिविंग मी रिस्पॉन्सेस। फर्स्ट ऑप्शन, वंडरफुल प्रियांशु, दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट एंड फर्स्ट पॉइंट वुड बी एट द सेम प्लेस, बिल्कुल सही प्रियांशु, शाबाश। देखो भाई, तो ये मैंने वन को यहाँ पे रखा। अब जब मैंने वन को रखा तो मैं कोई भी अगर नंबर बनाता हूँ रिमेनिंग फाइव डिजिट से, यानी कि टू से लेकर के सिक्स तक, तो क्या वो सारे नंबर वन से डिविजिबल होंगे? सर्टेनली यस, वन की डिविजिबल, वन से तो भाई सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। यानी जब मैं वन से लास्ट डिजिट बना रहा हूँ तो बाकी पांच प्लेसेस को रिमेनिंग फाइव प्लेसेस से फिल करूंगा, तो कितने तरीके से वन फिल होगा? फैक्टोरियल फोर, फैक्टोरियल फाइव, ठीक है। अगर मेरे पास ये फाइव फैक्टोरियल है तो ये चीज कितनी हो जाएगी? फाइव फैक्टोरियल फाइव, बिकॉज बाकी जो पांच प्लेसेस मेरे पास रह गए उसके लिए मेरे पास पांच चीजें हैं, उनको किस तरीके से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल फाइव। तो ये मैंने वन वाला केस लिया, राइट ना। अगर ये केस नहीं है तो सेकेंड केस में मेरे पास टू आएगा, और आपको पता है अगर मेरे पास यूनिट डिजिट पे टू आ गया, यानी कोई भी इवन नंबर आ गया, तो क्या ये नंबर टू से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल है भाई, अगर लास्ट में टू आ गया तो एवरी नंबर दैट इज दैट एंड्स विद टू इज डिविजिबल बाय टू। सो यहाँ पे भी कितने तरीके से आप फिल करेंगे रिमेनिंग फाइव प्लेस को? फैक्टोरियल फाइव। ध्यान रखना ये सारे केसेस और के चल रहे हैं, मतलब इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। और थ्री वे, जब व्हेन इट एंड्स विद थ्री, व्हेन द यूनिट डिजिट इज थ्री, तो क्या होगा बेटा? थ्री की डिविजिबिलिटी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, तुम लोग शायद थोड़ा भूल गए होगे। उसमें क्या करते हैं हम लोग? सम ऑफ द डिजिट देखते हैं। If the sum of the digit is divisible by 3, the number is divisible by 3. तो मैं यहाँ पे ये जो numbers मेरे पास बनेंगे, मैं इनको add करके देखता हूँ कितना आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगर मैं इनको add करूँ तो मेरे पास इनका sum आ जाएगा 21. ठीक है? क्या आ जाएगा? 21. आप बोल रहे हो क्या किया? कोई बात नहीं, आगे जब पढ़ेंगे तो सीख लेंगे, ये भी सीख लेंगे, ठीक है। फिलहाल सम 21 आ रहा है, एंड एज द सम इज 21, तो तुम कोई भी नंबर बनाओगे ना इनसे दैट हैज ऑल दीज सिक्स डिजिट्स यूज्ड वंस, तो ये नंबर हमेशा ही थ्री से डिविजिबल होंगे। दैट मींस यहाँ पे भी कितने नंबर्स पॉसिबल हैं? फैक्टोरियल फाइव। नाउ फोर, फोर की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर किसी को ध्यान में है तो बहुत बढ़िया, नहीं ध्यान में है तो सीख लो। जब कभी भी तुम्हारा लास्ट डिजिट फोर है, या फिर ध्यान रखो फोर की डिविजिबिलिटी मैं तुम्हें इन जनरल बता देता हूँ। टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है? अगर तुम्हारा यूनिट डिजिट टू से डिविजिबल है तो पूरा नंबर टू से डिविजिबल होगा, चाहे इधर नंबर कुछ भी है, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे टू है तो अब मैं नंबर को जो मर्जी चेंज कर दूँ फर्क ही नहीं पड़ता, ये नंबर हमेशा ही टू से डिविजिबल होगा। सिमिलरली जब तुम्हें फोर से डिविजिबिलिटी देखनी है तो ध्यान रखना, जैसे टू के लिए तुम यूनिट डिजिट देखते हो, लास्ट डिजिट देखते हो, वैसे ही फोर के लिए तुम लास्ट टू डिजिट देखते हो, लास्ट टू डिजिट। अगर यहाँ पे 24 है, या फिर यहाँ पे 20 है, या फिर यहाँ पे 44 है, कोई भी ऐसा डिजिट है जिससे कि जो कि वो फोर से डिविजिबल है, तो अब आप यहाँ पे जो मर्जी बना लो, चेक करके देख लेना क्लास के बाद। अब तुम यहाँ पे जो मर्जी बना लो, ऑल द डिजिट्स दैट यू मेक, एंड इफ द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय फोर, देन द नंबर, द एंटायर नंबर वुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय फोर। दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल फॉर फोर। सम ऑफ यू जिनको ध्यान था बहुत अच्छी बात है, जिनको ध्यान नहीं था लिख लेना बेटा, बहुत बेसिक सी बात है। मेरे ख्याल से फोर्थ या फिफ्थ में बच्चे ये सब चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। जे जैसे एडवांस के भी क्वेश्चन पेपर में उस बेसिक रूल की जरूरत पड़ जा रही है, ठीक है, ओके। नाउ आई विल गेट बैक टू द क्वेश्चन, दैट वाज द जनरल रूल। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगर मेरा लास्ट डिजिट फोर है, राइट, अगर मेरा लास्ट डिजिट फोर है, तो ऐसे लास्ट टू डिजिट क्या क्या मैं बना सकता हूँ गिवन डिजिट से जिससे कि ये मेरे पास डिविजिबल होगा? तो 1-4 तो होगा नहीं भाई, सबसे पहला मुझे 2-4 दिखता है, 3-4 होगा नहीं, 44 हो सकता था बट रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 44 भी नहीं होगा।
54 नहीं होगा, 64 तो होगा, राइट? द नंबर इज एंडिंग विद 4 एंड द लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4. यानी अब जो मेरे पास चार डिजिट्स बच गए, इनको मैं कितने तरीके से अरेंज करूंगा? फैक्टोरियल 4. नाउ ईदर इट इज 24 और इट इज 64. इट इज अगेन अ केस ऑफ व्हाट और, यानी 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा? 2 into 4 factorial, right? 4 factorial plus 4 factorial. ये मेरे 4 वाला केस हुआ. Similarly, जब मेरा last digit 5 होगा बेटा, when the last digit is 5, तो any number that ends with 5 is always divisible by 5. ठीक है? तो इसमें भी कितने केस आ जाएंगे? Factorial 5. And 6 का केस, 6 की divisibility क्या होती है? Any number if it is divisible by 2 as well as 3, it is always divisible by what? 6. तो भाई अगर last digit 6 है, तो 2 से तो divisible है ही है, देखने की जरूरत ही नहीं है. और 3 से तो वैसे ही डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि इस पूरे का जो सम ऑफ द डिजिट था वो कितना था? 21 था, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. सो सर्टेनली 6 से भी जो हमारे पास डिजिट्स बनेंगे, ऑल ऑफ देम वुड बी डिविजिबल बाय 6 टोटल. अब आप ये ना भूलें कि आपके पास ये क्या था, इट्स अ केस ऑफ फोर, यू नीड टू एड ऑल ऑफ देम. 5 फैक्टोरियल कितने केस हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 into 5 फैक्टोरियल. और ये वाला केस क्या है? 2 into 4 फैक्टोरियल. सो सर्टेनली द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. वन ऑफ यू गेव द करेक्ट आंसर. That was Priyanshu. Wonderful Priyanshu. ठीक है? And the rest of you, if it is okay, बहुत अच्छी बात है. और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो बेटा. Anyone, anything? It was a good question. दोबारा से इसको digest करना. मैं इसका video record कर रहा हूँ, आपके साथ share कर दूंगा class के बाद. ठीक है? Might be कल कर पाऊंगा, आज तो नहीं. Compile होकर के आपको भेज देंगे. ठीक है? So, all right. आइए आगे बढ़ते हैं. आज थोड़ा सा क्लास में भी लेट हो गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिच. सो 16.3 इज अ वेरी इजी टॉपिक, राइट? बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी तुम्हें. इनफैक्ट अब तुम अगर कोई भी एक्सरसाइज करते हो 16.5 तक, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. और मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, राइट? आज भी क्लास मुझे लग रहा है 9-10 तक तो चलेगी बेटा, ठीक है? बिकॉज क्लास ऑलमोस्ट आज 10-15 मिनट लेट हो गई थी, तो 9-10 तक तो क्लास चलेगी. ठीक है? आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दैट. फाइन, ठीक है? तो चलो देखो एक्सरसाइज 16.3 कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं. ओके, आइए आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे फिफ्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, 11th क्वेश्चन ले लेते हैं. ठीक है? लेट मी डू इट फॉर यू. मैं करके बताता हूँ, टाइम कम है तो आपसे मैं आज कम क्वेश्चंस कराऊंगा. जनरली जब इन केस अगर तुम में से किसी ने भी ज्वाइन कर लिया तो ध्यान रखना, मैं फिर बैच में ही सामने सामने करवाता भी हूँ. ओके, सो यू शुड नो दैट NP4 is equal to 360. मुझे n की वैल्यू चाहिए. फॉर्मूला लगाते हैं जो हमें मालूम है, क्या? n factorial over n minus 4 factorial. That is equal to 360. किसी भी बड़े फैक्टोरियल को हम लोग छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैं n factorial क्या लिखना चाहूँगा? n minus 4 factorial, और इसके बाद जो बड़े वाले नंबर्स हैं वहाँ तक लेके जाऊँगा. यानी n minus 3, n minus 2, n minus 1 and n. ठीक है? नीचे मेरे पास कितना था बेटा? n minus 4 factorial. This thing is gone and on the RHS this is equal to 360 बच्चों. अब ये समझने की बात ये है कि ये मेरे पास चार कंसेक्टिव नंबर्स हैं. या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके एक n की पावर 4 में एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बना लूं, या फिर मैं इस बात को समझूं कि ये मेरे पास चार कंसेक्टिव नंबर्स हैं. n सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा. तो मैं इस 360 को कुछ ऐसे देखना चाहूँगा सो दैट आई कैन कन्वर्ट इट इनटू समथिंग. देखो मैं कैसे देख रहा हूँ, ध्यान से देखना. ये मेथड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू स्पीड बिल्डिंग. ओके, तो मैं इस 360 को यहाँ राइट साइड पे कर देता हूँ. 360 को मैं ऐसे देखता हूँ, 360 इज 36. 36 इज 6 का स्क्वायर, और 10 होता है 2 इंटू 5, और 6 होता है 2, तो ये 2 स्क्वायर और इंटू 2 यानी कि 2 क्यूब, और ये है मेरे पास 3 स्क्वायर और 5. मैंने सबसे पहले इस नंबर को ना कुछ ऐसे देखा, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, मैंने इसको ऐसे देखा. अब मुझे ये समझना है कि मैं इसको चार नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, जहाँ अल्टीमेटली मल्टीप्लिकेशन करके इतना ही आना चाहिए. तो यार देखो, 5 का तो कुछ कर नहीं सकते, 5 का तो कुछ कर नहीं सकते. और इससे एक पहले अगर मैं बनाता हूँ तो मुझे 2 स्क्वायर से 4 मिलता हुआ दिखता है. 3 से अगर मैं कुछ बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पे 3 दिखता है. ध्यान से देखना भाई, बहुत ध्यान से देखना.
ठीक है, अगर तुमने ये स्मार्ट तरीका सीख लिया तो और लोग करते रहेंगे, तुम करके बैठ जाओगे। क्या बच गया? एक टू और एक थ्री, जिससे बनता है सिक्स। क्या ये चार डिजिट कंसेक्टिव हैं? यस और नो? क्या इनका मल्टीप्लीकेशन 360 है? सर्टेनली यस। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम स्ट्रेट अवे बोलोगे n इज इक्वल टू कितना, सिक्स, विदाउट डूइंग एनी अलजेब्रिक कैलकुलेशन, यू विल स्ट्रेट अवे गो फॉर दैट, राइट? मनन एंड प्रियांशु, वेल डन, शाबाश। बट ये मेथड समझ में आ रहा है, ठीक है? इन मेथड्स को तुम्हें मास्टर करना है, जिसमें कि तुम कैलकुलेशन को लीस्ट इफेक्टिव तरीके से, मतलब कि लीस्ट इफेक्टिव टाइम में तुम इसको कर पा रहे हो, ठीक है? हमारी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चंस को करने की। ऑलराइट, आई विल मूव अहेड। आइए क्विकली क्वेश्चन नंबर 11 भी देखते हैं, देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। 11th क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। 11th क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है पी एन फाइव, मैं सीधा इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ। पी एन फाइव वी अंडरस्टैंड इज एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, ठीक है? एंड द रेशियो इज पी एन थ्री, दैट मीन्स एन फैक्टोरियल over n minus 3 factorial, okay, n minus 3 factorial, this is equal to 2 is to 1, we have to find what is the value of n. सबसे पहले तो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल करो यार, है ना, फिर इसको सिंपलीफाई कर दो। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, n minus 3 का factorial, नीचे क्या हो जाएगा बेटा, n minus 5 का factorial, this is equal to what, 2 by 1, ठीक है? अब देखो यहाँ पे रेशियो है, ये नंबर नहीं है, यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लास्ट अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे जहाँ हमने कंपेयर किया था वहाँ पे हमारे पास कंजेक्टिव नंबर्स थे, बट यहाँ पे रेशियो है, आपको पता है रेशियो में चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको लॉजिकली करेक्ट रहना है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा, बड़े फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूँगा, यानी जो n माइनस 3 है ना, इसको मैं क्या लिखूंगा, n माइनस 5। दो नंबर्स बच जाएंगे, कौन कौन से, n माइनस 4 इंटू n माइनस 3, this is n minus 5 in the denominator, जो मेरे पास ये cancel हो जाएगा, and this is nothing but equal to 2. Is it okay everyone? बात समझ में आ रही है? Two of you have given answer. Yes sir, 11th one is 5. Wonderful. शाबाश। तो यहाँ तक हो गया, अब देखो मैं इसको, यहाँ थोड़ा सा space कम पड़ रहा है, यहाँ use कर लेता हूँ, ठीक है? I'll use it here. तो देखिए, यहाँ discuss कर देता हूँ। तो ये मेरे पास लेफ्ट साइड कितना हो गया बेटा, दिस इज एन स्क्वायर माइनस सेवन एन एंड दैट विल बी प्लस 12, ठीक है? प्लस 12 इज इक्वल टू 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन स्क्वायर माइनस सेवन एन प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप अगर इसको फैक्टराइज करें बेटा, मेरे ख्याल से ये एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 2 में ईजिली फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है? एन माइनस 5 इंटू एन माइनस 2 में ईजिली फैक्टराइज हो जाएगा। That means that n is either equal to 5 or it is equal to 2. Now, which has to be the correct answer? अब इसमें तुम्हें समझना है कि अगर पी एन फाइव है और ये पी एन थ्री है, तो ये n की वैल्यू मेरे, मुझे इसका मतलब क्या, इसका इसका लॉजिकल मतलब तुम्हें समझ में आता है ना क्या, कि अगर मेरे पास n डिफरेंट चीज़ें हैं तो उनमें से पांच चीज़ों को हमने अरेंज करना है। तो भाई अगर दो ही चीज़ होंगी तो पांच चीज़ों को कैसे अरेंज कर देंगे, दैट इज़ लॉजिकली इनकरेक्ट। यानी हमारे पास कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए बच्चों, हमारे पास कम से कम पांच चीजें होनी चाहिए, दैट इज व्हाई 2 विल बी क्रॉस्ड आउट, ओके? एंड हेंस द फाइनल आंसर शुड बी व्हाट, n इज इक्वल टू 5। इज इट ओके एवरीवन, कैन यू शो मी योर हैंड्स अप, बातें समझ में आ रही हैं? ओके, ठीक है, मैं थोड़ा सा जंप लगाता हूँ और थोड़े बेहतर क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है? तुम कोई भी क्वेश्चन अपने एंड से अगर पूछना चाहो तो कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी प्रॉब्लम। आओ देखते हैं कुछ बढ़िया। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, ये ध्यान रखना, ये मैं वीक में एक दो एक्स्ट्रा इस तरह के ना ओपन वर्कशॉप्स करता रहता हूँ, तो जो अगली ओपन वर्कशॉप है रेगुलर क्लास, तो ये 7, 8 to 9 जो चल रहा है मैथ्स का, ये चलता रहेगा तुम्हारे बैच का, ठीक है? 8 to 9 PM, दिस इज अ रेगुलर बैच, तो ये तो चलता रहेगा। अब अगली जो मेरी ओपन क्लास होने वाली है ये 2nd of August को है, ठीक है? और इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे, इसमें 11, 12 सबके होंगे, बिकॉज ये टॉपिक तो 11th का है, बाइनोमियल थ्योरम, बट ये जेई लेवल की वर्कशॉप होगी, जेई एनडीए लेवल की वर्कशॉप होगी, कंपटीशन लेवल की होगी, तो इसमें 12th वाले भी होंगे और कुछ 12th पास आउट्स भी होंगे, ठीक है? तो ये 2nd August को है, द टाइमिंग इज 3 to 4:30। जब कोई भी मास्टर क्लास होता है ना, तो ध्यान रखना मास्टर क्लास का मतलब होता है कि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के और कॉम्पिटिशन के सारे क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं, ठीक है?
तो ये मास्टर क्लास अभी 2 अगस्त को है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैं स्क्रीन पे रख लिया था बिकॉज मुझे लगता है मैं भूल जाता हूँ जनरली, ठीक है, तो चलो अच्छी बात है ये मैंने अनाउंस कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका अभी क्रिएटिव वगैरह बनेगा ऑफिस से बना के देंगे, तो उसके बाद आपके ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगा, राइट, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट अदर्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम, ओके, स्पेशली दोज हु आर आइंग फॉर कॉम्पिटिशंस, वेदर दे आर आइंग फॉर जेईई एनडीए और सीपीटी, राइट, सीपीटी में भी जो है अच्छे खासे क्वेश्चंस होते हैं, ऑलराइट, आई विल प्रोसीड अहेड, 22nd क्वेश्चन, मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन चिल्ड्रेन, राइट, मैं ज्यादा टाइम एक्सीड नहीं करना चाहूंगा, इट्स ऑलरेडी 9:06, सो आई वोंट टेक मच टाइम टुडे, हाँ, कॉन्सेप्चुअली ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयर्ड टू ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, कहीं पे भी कुछ डाउट आए तो यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, सो लेट्स सी हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्राइंगल, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन को तुम हवा में उड़ा सकते हो, कितने अल्फाबेट्स हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 थिंग्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वेज फैक्टोरियल 8, ठीक है, फैक्टोरियल 8, इज देयर एनी रिपीटेशन, आर नहीं रिपीट हो रहा, ए रिपीट नहीं हो रहा, एन रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज ऑल, खत्म हो गया क्वेश्चन, एक्सट्रीमली ईजी, नो बात समझ में आ रही है, कितने ईजी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है, तो तुमने इससे काफी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी, ठीक है, बट हाँ फिर भी अगर आप कुछ भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं आप कभी भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, okay, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, राइट, लेट्स पिक वन लास्ट क्वेश्चन, लेट्स से दिस वन 32, राइट, आई थिंक लेवल 2 का क्वेश्चन है ये, बट लेवल 2 देखो तुम्हारे लिए कितना ईजी है, अब ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड EAMCOT, ओके, आर अरेंज्ड इन डिफरेंट पॉसिबल वेज, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच नो टू वॉवल्स आर एडजेसेंट, नो टू वॉवल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, वंडरफुल, राइट, अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे, ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी तक तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं किया, बट यस सम ऑफ यू आर सर्टेनली कैपेबल ऑफ सॉल्विंग इट, तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले वॉवल्स को आइडेंटिफाई करूंगा, क्या है EAO, और मैं कॉन्सोनेंट्स को आइडेंटिफाई करूंगा MCT, ठीक है, इन्होंने कंडीशन क्या दी, दैट नो टू वॉवल्स आर एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट मीन्स देर इज नो कंडीशन ऑन द कॉन्सोनेंट्स, तो मैं पहले तीनों कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करूंगा, तीनों कॉन्सोनेंट्स को कितने तरीके से अरेंज करेंगे बेटा, फैक्टोरियल 3, एंड वी नीड टू अरेंज द वॉवल्स एज वेल, बट बिफोर दैट यू शुड लुक एट दिस, कॉन्सोनेंट नंबर 1, कॉन्सोनेंट नंबर 2, कॉन्सोनेंट नंबर 3, तुमने किसी भी ऑर्डर में अरेंज किया, कहाँ पे एम है, कहाँ पे सी है, कहाँ पे टी है, पता नहीं, टोटल कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 तरीके से, 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, 6, जैसे ही तुमने इनको अरेंज किया तो वॉवल्स के लिए तुम्हारे पास कितने प्लेसेस हैं इस बात को समझने की जरूरत है, तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, अगर इन वॉवल्स को, इन तीन वॉवल्स को आप कहीं भी अरेंज करते हैं इन चार प्लेसेस पे, तो क्वेश्चन की कंडीशन को हम लोग फॉलो कर लेते हैं, व्हाट, नो टू वॉवल्स दे आर एडजेसेंट, अगर मैं कहीं भी इन चार में से किसी भी तीन प्लेस पे उनको अरेंज करता हूं, तो द कंस्ट्रेंट और द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय अस, सो वी हैव अरेंज्ड द कॉन्सोनेंट्स इन फैक्टोरियल 3 वेज, एंड वी नीड टू अरेंज द वॉवल्स इन हाउ मेनी वेज, 4P3, व्हाई सो, यू हैव टू अरेंज 3 थिंग्स एट 4 प्लेसेस, राइट, इन हाउ मेनी वेज कैन यू अरेंज दैट, 4P3, ठीक है, आइए इसको देखते हैं कितना हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, लेट अस चेक, फैक्टोरियल 3 एज इट इज, और 4P3 कितना होता है बेटा, इट इज फैक्टोरियल 4 ओवर 4-1, यानी कितना हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल हो जाएगा नीचे, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल इज 6 एंड 4 फैक्टोरियल इज 24, दिस इज 144, दिस शुड बी 144, और एक बार चेक करते हैं 32 का आंसर क्या दे रखा है, 32 इज 144, इज इट अंडरस्टूड चिल्ड्रन, दैट विल बी ऑल फॉर द डे, राइट, आई वोंट टेक मच टाइम, इट्स ऑलरेडी वेरी लेट, राइट, अनुष्का योर माइक इज ऑन, समझ में आ रहा है, सृष्टि, साक्षी, प्रियांशु, प्रतीक, मनन, अर्पित, हितांश, एवरीवन, ठीक है, सो चिल्ड्रन इट वॉज वंडरफुल, राइट, बहुत मजा आया, the regular students will be continuing with the same topic tomorrow, ठीक है, whatever doubts you have you can post it on the official WhatsApp group, ठीक है, and the rest of you I hope that you join my regular classes and I hope to meet you every single day, ठीक है, so tomorrow is a regular class, the timing is again 8 to 9, और जो एक extra workshop मैंने रखी open workshop which is open for everyone, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी workshop होती है तो कोई भी बच्चा अगर मेरी WhatsApp broadcast list में है तो उसकी message आप तक जरूर पहुंच जाती है, ठीक है, अदरवाइज ये ध्यान रखना,
मैथ्स इसी नाम से ना सभी जगह पे, ऑलमोस्ट सभी जगह पे आई एम अवेलेबल. आई हैव जस्ट क्रिएटेड दीज अकाउंट्स, मैथ्स बाय इंजीनियर ऋषि देव, राइट. आप इस नाम से कहीं पे भी सर्च करोगे तो शायद मैं आपको सबसे पहले मिलूंगा. गूगल पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑलमोस्ट एवरीवेयर. अगर आप सिर्फ इंजीनियर ऋषिदेव भी दिखोगे लिखोगे ना तो गूगल और यूट्यूब पे तो मैं आपको सबसे पहले मिलूंगा. जस्ट राइट माई नेम एंड आई विल बी एट द टॉप. सो थैंक यू. राइट, फॉलो मी हियर सो दैट यू पीपल गेट द अपडेट्स एंड बी इन माई ब्रॉडकास्ट लिस्ट. राइट, ब्रॉडकास्ट लिस्ट मैंने कल भी बताया था. ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आने के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर देना. सम ऑफ यू हैव ऑलरेडी सेंड दैट 9319666162. ठीक है, तो इस तरह के जो ओपन सेशन होते हैं उसके आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, सो थैंक यू चिल्ड्रेन, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सर.